हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक किया, वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने जब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वो पहले वीडियो देख लीजिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जिसमें आपको और क्लियरली और अच्छे से समझेगा। क्या बोल रहे, सुचिता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो, क्या बोल रहे, 3:2। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 3:2? 3:2 का मतलब क्या होता है, 3/5, 2/5, मतलब 5 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 3 रुपया कौन लेके जाएगा, सुचिता लेके जाएगा, और 2 रुपया कौन लेके जाएगा, गायत्री लेके जाएगा। तुम बोलोगे सर ये 5 कहाँ से आया, 3+2 करोगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, मतलब 3/5, 2/5 आ गया। From the following trial balance and additional information you are required to prepare. क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। क्या दिया है, 31 मार्च 2019। तो जैसा मैंने यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा ही है, क्या बनाना है, इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा, सुचिता एंड गायत्री डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर अमाउंट। सेम एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा, बराबर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्रेडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर अमाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा। तुम बोलोगे पार्टनर्स कैपिटल, अगर सम में तुम देखोगे तो कहीं हमें करंट अकाउंट नहीं दिया गया, कहीं बोला नहीं गया है करंट अकाउंट है, तो इसके लिए हम करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट, अगर करंट अकाउंट दिया रहता तो करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर ये 2 लाइन में आएगा। ऊपर वाली लाइन में क्या रहेगा, सुचिता अमाउंट गायत्री अमाउंट, पर्टिकुलर सुचिता अमाउंट गायत्री अमाउंट। और बैलेंस शीट क्या रहेगा, बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, एज ऑन 31 मार्च 2019। और बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, यहाँ पर क्या रहेगा, लाइबिलिटी अमाउंट अमाउंट असेट्स अमाउंट अमाउंट। क्लियर है आपको, फॉर्मेट अच्छे से अब तक आ गया रहेगा बनाने। तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या करना रहेगा, हमें आइडेंटिफाई करना रहेगा कौन सा चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में और बैलेंस शीट में जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर तुम्हें देखा रहेगा तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया गया है, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, मतलब ये सारा क्या है, डेबिट का अमाउंट है और ये सारा क्या है अपना क्रेडिट का अमाउंट है। ये हमें क्या करना रहेगा, आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे, परचेज और सेल्स, आपको बता रहेगा परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो ये क्या दिया है, परचेज का अमाउंट क्या है डेबिट में, तो इसके बाजू में क्या लिख दूँ पी, और ये क्या है सेल्स का, और परचेज और सेल्स कहाँ जाता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट में, तो मैं क्या लिख दूँ ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ जाएगा ये DR, मतलब डेबिट, एंड कहाँ जाएगा क्रेडिट में। परचेज कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, ये परचेज का अमाउंट है, और सेल्स कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। क्लियर है, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, जैसा मैंने आपको गोल्डन रूल में मैंने बताया था। उसके बाद क्या है, वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी कहाँ पर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। याद करो वर्क मैनेजर सैलरी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। क्लियर है, कैपिटल कहाँ जाता है, PC, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड जाता है, क्रेडिट साइड। वहाँ पर क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद है, इसके लिए मैं लिख दूँ यहाँ पर डायरेक्टली तो आपको समझ में आएगा। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो क्या लिख दूँ TD, और देखो डेबिट में बैलेंस दिया है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड ही जाएगा। डेटर और क्रेडिटर, देखो डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, तो ये डेटर का बैलेंस दिया गया है, ये किसका है, क्रेडिटर का बैलेंस दिया गया है। डेटर कहाँ पर जाएगा, असेट्स में, और क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। क्लियर है, डेटर का कौन सा वाला, ये वाला बैलेंस है 47,500, तो डेटर कहाँ जाएगा, असेट साइड में, क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। तो यहाँ पर चाहिए तो आपको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, क्रेडिटर है, और ये आपका क्या है, डेटर। समझ क्या रहेगा, ये आपका क्या है, डेटर है। वेजिस एंड सैलरी, वेरी फर्स्ट वर्ड क्या है, वेजिस, तो वेजिस कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाएगा, असेट साइड में, तो ए लिख दो। बिल्स पेबल कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड में, देखो बिल रिसीवेबल का अमाउंट डेबिट में दिया, मतलब असेट साइड। पेबल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में, तो उसका अमाउंट कहाँ दिया आपको, क्रेडिट साइड में दिया है 27,300। डिस्काउंट कहाँ पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो अमाउंट कहाँ पर दिया है, क्रेडिट में, तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर है, अगर इसका अमाउंट डेबिट में दिया रहता तो कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट में दिया तो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया है, मोटी पावर कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो मैं क्या लिख दूँ TD, और कहाँ जाएगा, डेबिट में, क्योंकि देखो ना अमाउंट डेबिट साइड में दिया है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। कस्टम ड्यूटी कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो मैं क्या लिख दूँ TD लिख दूँ,
याद करो माल मंगा रहे, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, क्लियर है? तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। इंटरेस्ट कहाँ पर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो अमाउंट कहाँ दिया है? क्रेडिट साइड में, तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट डेबिट में दिया रहता तो कहाँ लिखता मैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देखो अनप्रोडक्टिव वेजिस है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तुम बोलोगे क्यों सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? अगर प्रोडक्टिव वेजिस रहता तो मैं क्या लिखता? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर अनप्रोडक्टिव है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। देखो बैलेंस कहाँ दिया है? डेबिट साइड में दिया है, तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। ए फॉर ऑडिट फीस और एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर जाता है? दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, डेबिट साइड में बैलेंस दिया गया। रेंट भी कहाँ जाएगा अपना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कन्वेंस भी कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। याद करो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुडविल कहाँ पर जाता है? असेट्स में, तो मैं क्या लिख दूँ? ए लिख दूँ। कॉपीराइट भी कहाँ पर जाएगा? असेट्स में। याद करो चार इंटेंजिबल्स है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, तो कहाँ लिख दूँ? ए लिख दूँ, दोनों असेट में जाएगा। बिल्डिंग भी कहाँ जाएगा? असेट साइड, तो ए लिख दूँ मैं यहाँ पर। और उसके बाद क्या दिया है हमें? पार्टनर्स कौन है? सुचिताज लोन। अरे लोन कहाँ जाता है? लायबिलिटी साइड। उसका अमाउंट देखो क्रेडिट साइड में दिया है, तो कहाँ लिख दूँ? एल लिख दूँ, मतलब लायबिलिटी साइड पे जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है? असेट्स में, तो ए लिख दूँ। और कैश एट बैंक भी कहाँ जाएगा? असेट्स में, तो मैं क्या लिख दूँ? ए लिख दूँ। क्लियर? आपको आई होप अब तक समझ में आ रहा है कि जैसा मैंने लिखा है, ए कहाँ जाएगा? असेट्स में। एल का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, टीआर, डेबिट का मतलब डीआर। और अभी एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं? देखो इसमें वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वैल्यू रेट 19,700, क्लोजिंग स्टॉक का टू इफेक्ट क्या होता है? ये अपना कौन सा स्टॉक हुआ? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का टू इफेक्ट क्या होता है? फर्स्ट इफेक्ट क्या रहता है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। और सेकंड इफेक्ट क्या रहता है? बैलेंस शीट की असेट साइड। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक टू इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। अभी क्या बोल रहे हैं? गुड कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अरे फ्री में दिया, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा अपना? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड से, तो अपना क्या हो रहा है? गुड्स जा रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर फ्री में दिया तो क्या किया हमने? एडवर्टाइजमेंट किया, तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ रहता है? सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। क्लियर? एडवर्टाइजमेंट कहाँ रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर है? मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर अ डिपॉजिट फॉर अ पावर मीटर। एक बात बताओ, देखो मोटिव पावर के अंदर इंक्लूड है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड, मतलब एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो ऐड करना पड़ेगा कि लेस करना पड़ेगा? तो लेस करेंगे, तो वेरी फर्स्ट हम मोटिव पावर को मैं क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। क्लियर? मोटिव पावर को मैं क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। क्लियर? तो स्टार किया मतलब क्या करना है? तीन लाइन हमें क्या करना है? छोड़ना है। इंक्लूड है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा। बोल रहा है इंक्लूड 500, तो एक्सक्लूड। सेकेंड इफेक्ट इसका क्या रहेगा? डिपॉजिट किया। अरे डिपॉजिट कहाँ रहता है? बैलेंस शीट की क्या रहता है? असेट साइड। अगर हमने पैसा कहीं पे डिपॉजिट किया है तो अपना ही पैसा है ना, 5 साल 10 साल बाद कभी ना कभी तो पैसा रिटर्न आएगा, तो वो अपना क्या हुआ? असेट्स हुआ। अगर आपने कहीं पे भी पैसा डिपॉजिट किया है, मतलब आपका क्या हुआ? असेट्स हुआ। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग कितना बोल रहे हैं? 5%, तो बिल्डिंग को मैं क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। ये रहा बिल्डिंग, बिल्डिंग को मैं क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। बराबर। डेप्रिसिएशन वेरी फर्स्ट क्या होता है? लेस होता है। डेप्रिसिएशन आपको पता रहेगा फर्स्ट इफेक्ट क्या रहता है? लेस होगा। किस में से लेस होगा? बिल्डिंग में से। और सेकेंड इफेक्ट क्या रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में रहता है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं? रिटर्न ऑफ 2000 एज अ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? लेस होता है, आपको पता है। किस में से लेस होगा? डेटर में से। और आरडीडी कितना बोल रहे हैं? 3%, मतलब डेटर में से वेरी फर्स्ट पहले क्या होगा? 2000 लेस होगा, उसका जो अमाउंट आएगा उसमें से क्या करेंगे? 3% हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। ये क्या हुआ अपने लिए? न्यू बैड डेब्ट्स हुआ। और ये अपने लिए क्या हुआ? न्यू आरडीडी हुआ। ऑलरेडी सारे सब में आ चुका है, तो डेटर को कितने स्टार करूँ मैं? 2 स्टार कर दूँ। तो देखो डेटर को मैं कितने स्टार कर दूँ? 2 स्टार। समझ में आया? ये स्टार किसका है? डेटर का है, क्रेडिटर का नहीं है। तो डेटर को मैं कितने स्टार करूँ? 2 स्टार। तो डेटर में से लेस होगा। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो सम में अगर आपको बैड डेब्ट्स दिया नहीं गया है, वरना मैं उसको भी स्टार करके फॉर्मूला लिख देता, तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा? लेस होगा। किस में से लेस होगा? डेटर में से लेस हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा।
अभी आगे क्या बोल रहे हैं, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ रुपीज 4000, मतलब बिल रिसीवेबल के अंदर क्या है, इंक्लूड है, क्या है, डिसऑनर ऑफ बिल कितने का है 4000। तो आपको पता रहेगा, मैंने बताया था बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहता है, लेस फ्रॉम डेटर होता है, लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल होगा और क्या हो जाएगा, डेटर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वेरी फर्स्ट में क्या कर दूँ, बिल रिसीवेबल और डेटर को क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ, मतलब टोटल डेटर को कितने स्टार हो गए, 3 स्टार, मतलब हमें कितना लाइन छोड़ना है डेटर के लिए, हमें टोटल हमें 7 लाइन क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये मैं कराऊंगा आपको एग्जाम में, बस खाली देखो आपके सामने अभी ये रहेगा, आप क्या कर सकते हो इसको देख के जस्ट खाली एंट्री तो पास कर दो कि कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ जाता है, हम साथ में मिलके क्या करते हैं इसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो बस आपको याद रखना है परचेज के, परचेज लिखो उसके ऊपर एक लाइन छोड़ना है, किसके लिए, ओपनिंग स्टॉक के लिए क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है, बाकी सब जैसा है वैसा आप खाली ट्रांसफ़र कर दो, हम साथ में मिलके क्या करते हैं एडजस्टमेंट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें क्या कर दी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी है, जैसा देखो मैंने बताया था ओपनिंग स्टॉक परचेज देखो मोटी पावर को स्टार है तो मैंने 3 लाइन छोड़ दिया, सेल्स को स्टार नहीं तो डायरेक्ट आउटर में, सेम एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी देखो सारी चीज़ें मैंने क्या कर दी है ट्रांसफ़र कर दी है। बैलेंस शीट में देखो डेटर को 7 लाइन छोड़ना था, बाई मिस्टेक मैंने 5 लाइन छोड़ा है, तो आप लोग भी डेटर के लिए 7 लाइन क्या करना, छोड़ देना। बिल रिसीवेबल को भी स्टार है तो इनर में देखो, बिल्डिंग को स्टार है तो सारा मैंने क्या कर दिया ट्रांसफ़र कर दिया है। कैपिटल अकाउंट में क्या लिख दिया, बाय बैलेंस ब्रॉडडाउन, आप भी वीडियो को कर लीजिए। तो एडजस्टमेंट वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे, क्लोजिंग स्टॉक क्या बोल रहे, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वैल्यू डेट कितना है 19,700। तो क्लोजिंग स्टॉक का टू इफेक्ट, वेरी फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड पे क्या लिख दूँ, यहाँ पर मैं बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख दूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कितना दिया मैं 19,700, तो यहाँ पर कितना लिखूँ 19,700। और सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का कहाँ जाएगा, अपना बैलेंस शीट की असेट साइड, तो बैलेंस शीट की असेट साइड पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर बैलेंस शीट असेट साइड पे लिख दूँ, यहाँ पर मैं क्लोजिंग स्टॉक, वहाँ पर हमने जितना अमाउंट लिखा था 19,700, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 19,700 आएगा। सेकेंड क्या बोल रहे हैं, गुड कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, हमने किसी को फ्री में दिया बेटा, तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ट्रेड एज अ फ्री सैंपल, वहाँ पर बोला ही गया है फ्री सैंपल, जैसा था वैसा ही मैं क्या कर दूँ लिख दूँ, कितने का 3000 का, क्लियर। अगर तुम ही बताओ तुमने किसी को फ्री में दिया तो बदले में तुम क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगा। टू क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, एडवर्टाइजमेंट कितना लिखूँ यहाँ पर 3000 आउटर में, अब चाहिए तो नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हो गुड्स का, बराबर गुड, क्लियर, गुड्स को हमने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट किया। आगे क्या बोल रहे हैं, मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर अ डिपॉजिट ऑफ अ पावर मीटर, क्लियर है। तो देखो मोटिव पावर के अंदर इंक्लूड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो एक्सक्लूड करने के लिए वेरी फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, मोटिव पावर में से क्या करना पड़ेगा, मेरे को लेस करना पड़ेगा, तो लेस यहाँ पर क्या लिखूँगा, डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, तो क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, तो 500 में क्या कर दूँ, यहाँ से क्या करूँगा, लेस करूँगा। अगर आप 500 लेस करोगे तो आपका आंसर आएगा 850, क्लियर है। अगर ये 500 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट साइड में, हमने क्यों असेट साइड, क्यों डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है, तो असेट साइड पे यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, तो यहाँ पर जैसा मैं लिख दूँ यहाँ पर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, कितना लिखूं यहाँ पर 500, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 500 आंसर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, डेप्रिशिएशन बिल्डिंग कितना बोल रहे हैं 5%, तो बिल्डिंग में से क्या करना है मेरे को, कितना 5% क्या करना है, लेस करना है, तो वेरी फर्स्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, लेस डेप्रिशिएशन
एट द रेट 5% पर एनम। अभी आपके पास अगर पेंसिल से आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पर पेन से लिख रहा हूँ, आप नीचे पेंसिल से कर सकते हो, पेन से भी आप लिख सकते हो 88,000 का कितना निकालना है 5%, तो 5/100 कितना आ जाएगा 100, दो जीरो क्या करूँ कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 4,400 आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। अभी 88,000 में से 4,400 अगर आप माइनस करोगे तो आउटर में आ जाएगा 83,600, कितना आंसर आएगा 83,600। और डेप्रिसिएशन का आपको पता ही है, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मैं क्या करूँ डेबिट साइड में क्या लिख दूँ, टू डेप्रिसिएशन किसका है, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना आया था 4,400, ये जहाँ वहाँ पर जितना अमाउंट लेस किया उतना ही अमाउंट क्या यहाँ पर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, रिटर्न ऑफ 2000 एज अ बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी 3% ऑन डेटर। तो पहले वेरी फर्स्ट क्या लेस करना है हमें, डेटर में से 2000 क्या करना है लेस करना है, तो डेटर में से मैं क्या करूँ 2000 क्या करूँ यहाँ से लेस करूँ, तो लेस में यहाँ पर लिख दूँ लेस बैड डेब्ट्स, कुछ बच्चे यहाँ पर न्यू बैड डेब्ट्स लिखते चलेगा कोई बात नहीं, अगर आप न्यू लिखो या बैड डेब्ट्स लिखो दोनों एक ही बात है, तो लेस क्या लिखो बैड डेब्ट्स, कितना लेस करना है मेरे को 2000 क्या करना है लेस करना है, यहाँ पर बोला ही गया देखो 2000 क्या करना है लेस करना है, तो 2000 लेस करेगा, अरे 47 में से 2 गया कितना बचेगा 45,500, और ये इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाए, इसका दोनों का साथ में करते हैं। अभी लेट हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो अमाउंट है उसमें से क्या लेस करना है आपको आरडीडी कितना बोल रहे 3%, तो यहाँ पर लेस क्या लिखूँ, एक्चुअली मेरे पास जगह नहीं है, मैंने एक्चुअली गलती से 7 लाइन नहीं छोड़ा 5 ही लाइन छोड़ा, तो लेस क्या लिख दूँ आरडीडी एट द रेट कितना बोल रहे 3% पर एनम, तो आपको क्या करना है 45,500 का कितना निकालना है 3% आपको क्या निकालना है 3% मतलब 3/100 कितना आ जाएगा 100, तो अगर आप करोगे तो 1365 आपका आंसर आएगा, कितना आएगा 1365 को क्या करना है लेस करना, अगर 1365 को लेस करोगे तो आपका आंसर आएगा 44,135, कितना आंसर आ जाएगा 44,000। अभी ये अमाउंट को भी मैं इनर में इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक और स्टार है, डेटर को टोटल 3 स्टार थे, डेटर को 3 स्टार थे तो मैं क्या करूँ उसके लिए 2 स्टार का तो हो गया, अभी इसका सेकेंड इफेक्ट ये कौन सा हुआ अपने लिए न्यू बैड डेब्ट्स हुआ, ये अपने लिए कौन सा हुआ न्यू आरडीडी हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में मैं यहाँ पर लिखूँ 2, आपको फॉर्मेट पता रहेगा 2 क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं बैड डेब्ट्स दिया गया है नहीं तो मैं क्या लिखूँ नील, ये कौन सा दिया ऐड न्यू बैड डेब्ट्स कितना आया था न्यू बैड डेब्ट्स अपना 2000, तो 2000 लिखूँ और ऐड क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर न्यू आरडीडी, और न्यू आरडीडी कितना आया था यहाँ पर आप देख सकते हो 1365, तो 1365 में क्या करूँ दोनों को ऐड करोगे तो आउटर में आ जाए 3365 अपना क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, तो ये अपना आंसर आ गया अभी हो गया, तो बस यहाँ से डेटर में से क्या कर दिया लेस कर दिया, और सेकंड इफेक्ट क्या कर दिया यहाँ पर बैड डेब्ट्स में बैड डेब्ट्स दिया नहीं गया तो नील लिखू ऐड न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं अपना, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल ₹4,000, मतलब बिल रिसीवेबल के अंदर क्या है इंक्लूड है, कितना बिल उसका वैल्यू कितना है अपना 4000, तो हमें क्या करना पड़ेगा वेरी फर्स्ट, तो यहाँ से मैं क्या करूँ लेस कर दूँ, मैंने बताया था बिल रिसीवेबल के अंदर इंक्लूड है डिसऑनर ऑफ बिल, तो बिल रिसीवेबल में से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, कितना लेस हो जाएगा 4000, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आ जाएगा डेटर में आ जाएगा, तो बिल रिसीवेबल में से मैं क्या करूँ लेस कर दूँ, लेस क्या लिखना पड़ेगा आपको डिसऑनर ऑफ बिल, कितना लेस करना है 4000 क्या करना है लेस करना है, अगर 4000 लेस करोगे तो आउटर में कितना आ जाएगा 18,000 आपका आंसर आ जाएगा, 22 में से 4 गया 18, इसका सेकेंड इफेक्ट भी ऊपर ही, आपको क्या करना है यहाँ से क्या करना है ऐड करना है, डेटर में से लेस कर दो और बिल रिसीवेबल में लेस कर दो डेटर में ऐड कर दो, तो ऐड क्या कर दूँ यहाँ पर ऐड डिसऑनर ऑफ बिल, अब मेरे पास जगह नहीं इसके लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ 4000, तो 44 मैं ऐड कर दो कितना हो जाएगा 48
6135 आउटर में लिख दो। बस अभी अपना सारे एकदम सिंपल ही समझते, देखो अपने बिल रिसीवल ने लेस किया और डेटर में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर आपने मेरे एडजस्टमेंट केस देखे रहेंगे सम तो आपको डेफिनेटली इजीली पता हो जाएगा। तो बस सारे एडजस्टमेंट क्या हो चुके, अभी बारी आई टैली की, तो लेट्स स्टार्ट, हम टैली भी स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, टैली करते समय आपके हाथ में क्या होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं पेंसिल से इस साइड का टोटल करूँगा, आपको पीछे जाके नहीं करना है, यहाँ पर आप इजीली कर सकते हो। इसका टोटल करेंगे तो 208,200 आपको क्या आ जाएगा, इसका टोटल आएगा कितना है 208,200। अगर सेम ऐसा आपको क्या करना है, इसी साइड का दूसरे साइड का भी टोटल करना है, इसके नीचे पेंसिल से ही करना है, तो आपको आएगा 92,350। तो अभी तुम मुझे बताओ 208,000 ज़्यादा है 92,350 ज़्यादा है, तो 208 तो यहाँ पर नीचे मैं क्या लिख दूँ, तो दोनों की साइड नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं नीचे लिख दूँ तो 208,200, तो यहाँ पर भी मैं लिख दूँ 208,200। अभी आपको क्या करना है, इसके नीचे ही करना है 208, पेंसिल से 208,200 में से कितना माइनस करना है 92,350। अगर आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 115,850। ये 115,850 आपका क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, टू ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आंसर आया मेरा 115,850। अभी आप मेरे को किसी बच्चे ने बोला था कि सर पेन से सर्कल करना है या पेंसिल से, तो पेंसिल से आपको क्या करना है, सर्कल करना है। अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में है तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो क्रेडिट साइड में मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। वहाँ पर क्या लिखा था, फाइन करते समय कैरी डाउन, तो ट्रांसफ़र करते समय ब्रॉड डाउन, सेम 115,850। अभी आप देखोगे तो कौन सा साइड आपको ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर 1 लाख है तो ऑफकोर्स यही साइड का टोटल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो यही साइड का टोटल क्या आ जाएगा, दोनों जगह नीचे आ जाएगा। तो इस साइड का अगर आप टोटल करोगे तो 1,17,000 आपको, अगर यहाँ से ही पेंसिल से ही कर देना है तो आपको आएगा 1,17,550। अगर इस साइड का आप अगर टोटल करोगे तो आएगा, और आपको डेबिट साइड का टोटल आएगा 20,065। क्लियर है, 20,065। तो आप मुझे बताओ 1,17,000 ज़्यादा है या 20, तो ऑफकोर्स 1,17,000 को क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे। यहाँ पर मैं एंड में लिख दूंगा 1,17,550। यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूँ, 1,17,550। अभी माइनस क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, तो 1,17,550 ये आपको पेंसिल से करना है, 20,065 अगर माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 97,485। तो क्लियर है 97,000। तो इसको यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, टू नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे हम कैरी डाउन, क्या लिखेंगे नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, आंसर कितना है अपना 97,485। अभी आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि पेंसिल से लिखा हुआ एग्ज़ाम में काउंट होता नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एग्ज़ामिनर पे आपकी गुड इंप्रेशन भी पड़ेगी। और इसको क्या करना है हमें, अगर आप देखोगे तो सब में रेशो क्या दिया था हमें, 3:2 दिया था, मतलब 3/5 और 2/5 में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। किसका रेशो था, सुचिता, तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, सुचिता कैपिटल अकाउंट, और क्या लिखूँ मैं यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के बाद, क्या लिखूँ गायत्री कैपिटल अकाउंट। और देखो क्या करना है, ब्रैकेट में आपको लिखना है 97,485 जो अपना नेट प्रॉफिट आया, और रेशो क्या था 3/5, तो मल्टीप्लाई बाय 3/5, उसके नीचे भी 97,485 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अगर आप करोगे तो इसका आंसर आएगा 58,491 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 38,994 इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो बस ये आंसर आ गया, इसको क्या डेबिट में है तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ बाय नेट प्रॉफिट, क्या लिख दूँ रॉट डाउन करके लिख दूँ, इसका आंसर कितना आया था 58,491 आया था,
और इसका कितना आया था 38,994 आ गया था, ये आंसर आ गया। अभी देखो आप देखोगे ध्यान से, अगर आपने देखा रहेगा तो डेबिट में कुछ भी नहीं है और क्रेडिट का ही टोटल ज़्यादा है, तो क्रेडिट में यहाँ पर क्या करूँ, यही टोटल क्या आ जाएगा, दोनों साइड क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। अगर आप इसका करोगे तो आएगा 1,33,491 आ जाएगा, और इसका आप करोगे तो 78,999 क्या आ जाएगा, 4 इसका आ जाएगा। देखो यहाँ पर 994 ही था तो 994 आ जाएगा, तो सेम यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूँ 1,33,491 और यहाँ पर 78,994, और यही सेम टोटल क्या आ जाएगा दोनों, सॉरी आपको ये पेंसिल से करना है सर्कल, 1,33,491 और यहाँ पर लिख दूँ 78,994। इसको क्या दिया था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये क्या रहेगा, बैलेंस कैरी डाउन, तो यहाँ पर 2 बैलेंस कैरी डाउन, ये कहाँ जाएगा अपना, ये जो आया ये कहाँ जाएगा, कैपिटल सॉरी लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट करके आपको लिख देना है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कैपिटल अकाउंट, और पहला किसका लिखूँ मैं यहाँ पर सुचिता, और उसके नीचे क्या लिखूँ गायत्री। सुचिता का कितना आया था 1,33,491 और इसका कितना आया था 78,994। तो अगर इन दोनों को आप चाहो तो आप ऐड करके भी लिखो, अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा 4+1 5 9+9 कितना आ जाएगा 18 A1 ऊपर चला गया 10 और ये 4 कितना होगा 4 आ जाएगा और 8+3 कितना आ जाएगा 11 तो एक यहाँ पर चला गया 7+3 10 और एक 1 यहाँ पर आ जाएगा 2,11,485। अगर आप इसका और आगे अगर टैली करोगे तो आपको इसका आंसर आएगा 2,80,935। अगर सेम इस साइड का भी टोटल इतना ही आएगा 2,80,935 इसका क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था 1,15,850, तो यहाँ पर भी कितना दिया है 1,15,850 अपना राइट है। नेट प्रॉफिट कितना आया था 97,485, तो यहाँ पर कितना आया सॉरी 97 आपको 120 का क्या आएगा डिफरेंस आएगा, अपन वन अपने मैंने सारा फॉर्मूला देख लिया, ये डिफरेंस ऐसे ही रहेगा और फाइनली आप ऐसे करोगे तो अपना फाइनली सम क्या होगा टैली होगा। तो यहाँ पर भी देखो 2,88,15, तो यहाँ पर कितना होगा 935 से अपना दोनों साइड का टैली होगा। आप घर पे कैलसी से करो या किससे भी करो आपको पता चलेगा कि मेरा आंसर राइट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।